एंड वेलकम बैक टू और रेज हॉटेस्ट न्यूज़ ऑफ कोर्स आपको इस चीज़ का ऑलरेडी इल्म होगा कि जहाज़ हेंगटॉन्ग सेवेंट सेवन को निकाल लिया गया है सक्सेसफुली दैट्स ऑब्वियसली अ मोमेंट ऑफ़ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस हकाई के बारे में आपको आगाह करने से पहले मैं एक जिक्र और करता चलूँ आई एम वेरी थैंकफुल टू आन शिप ब्रेकर आई एम वेरी थैंकफुल टू सी मैक्स एंड ऑल दोज पीपल जिन्होंने सारी, सारी तफसीलात की सारी तफसलत मुझे मुहैया की मेरे पास ऑलरेडी कल ये मौका था कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाता और आप लोगों को पहले से बताता कि आज क्या एक्शन होने वाला है बट अनफॉर्चुनेटली फैमिली मैनू मेरे पास वक्त नहीं था आई कुड नॉट मेक इट बट आई एम हेयर विद ऑल द इन्फॉर्मेशन टुडे फॉर ऑल ऑफ यू गाइस अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आज का दिन है कि जहाँ पे हमारे पास हाई हाईटाइट होगी कल भी होगी परसों भी होगी फर्स्ट अटैम्प्ट जो कि हैंगटोंग सेवेंटी को निकालने के लिए की जा रही थी दैट वॉज प्लान फॉर टुडे और इस मरतबा पिछले से ज्यादा बेहतर प्लान्स रखे गए थे और पिछले से ज्यादा रिफाइंड किस्म के प्लान्स रखे गए थे देर वर थ्री प्लान इन एक्शन एक था प्लान ए एक था प्लान बी एंड ऑबियसली अदर वन वॉज प्लान सी सारी जो अरेंजमेंट की गई थी हैंगटोंग सेवेंटी सेवन को निकालने के लिए इसके लिए दो टग बोर्ड्स अरेंज की गई एक का नाम था एंडेवर एक का नाम था हारमनी हारमनी वॉज द बिगर ऑफ द टग्स जिसने जहाज को मेनली खींचना था दूसरा इस जहाज को खींचने के लिए बार्ज के ऊपर विंचे लगा के दो रोप्स गुजारी गई थी मेरी जहां तक बात हुई है अयान अयानशी ब्रेकर से और जहाँ तक मेरी बात हुई है सी मैक्स से दे टोल मी के ये वी एल सी सी की विंचज हैं दे वर नॉट सो श्योर कि एग्जैक्ट इसका सेफ वर्किंग लोड कितना है बट वी एंटिसिपेट कि ये तकरीबन पैंतालीस से छियालीस टन के आसपास होगा एक रोप का तो दो वायर रोप ये गुजारी गई थी इसके अलावा एक और बड़ा ज़बरदस्त आइडिया जो कि मुझे बड़ा पसंद आया वो ये था कि छः एंकर्स को फ्लैट प्लेट एंकर्स को ज़मीन के अंदर खोद के बरी किया गया था क्योंकि सैंड है सैंड के ऊपर एंकर्स होल्ड नहीं करते वो एंकर खाली जमीन के ऊपर डाले गए थे उनके ऊपर लगाई गई थी पुलिस पुलिस से रोप जा रही थी जहाज के ऊपर और उसका दूसरा सिरा था जमीन के ऊपर यानी कि जमीन के ऊपर दो विंचज और होंगी वो विंचज घूमेंगी पुल के ऊपर से उन्होंने एक एंगल बनाया हुआ था जो कि जहाज के बहुत तक जा रहा था और एंकर के ऊपर से ये जो वायर ओप्स जा रही हैं ये जहाज के हेड को मजीद स्विंग आउट होने में मदद देंगी सो द बार्ज वॉज पुलिंग इट विद द हेल्प ऑफ द वायर रोप्स एंड ऑफ कोर्स द विचेज वर ऑल्सो पुलिंग इट आउट और ये जो आपको एक सेपरेट बोट नजर आ रही है खड़ी हुई ये बेसिकली सिर्फ लॉजिस्टिक्स के लिए है इस बोट का इसके अलावा मकसद और कोई नहीं है अब ये जो वायर्स इंप्लाई की गई थी ये थर्टी एट मिलीमीटर की अगेन सेफ वर्किंग लोड उसका उसकाजैक्टली exactly किसी को नहीं मालूम बट आई एम एंटिसिपेटिंग ये टू टन के आसपास होगा सेफ वर्किंग लोड समथिंग लाइक दैट जो एंटिस होगाटली तक जा रही हैं इनकी तादाद थी दो और वायर ओब्स जो कि बार्ज तक जा रही थी इनकी तादाद भी अगेन एक या दो मेरे ख्याल में फाइनली उन्होंने एक वायर इंप्लाई की थी इस बार्ज को स्टेशन किया गया था जहाज से तकरीबन 900 मीटर के फासले पे। बिकॉज रिमेंबर यहाँ पे डेप्थ ज्यादा नहीं है और ये जो बार्ज थी अगेन फ्लैट बार्ज है तो इसके एंकर वैकर डाल के नौ सौ मीटर के आसपास खड़ा किया गया था जहाज़ से दूर ताकि जहाज़ को खींचे तो विंचज ने और बार्ज ने प्लान ए के मुताबिक जहाज के बाओ को बाहर की तरफ स्विंग करवाना था एंड ऑफ कोर्स द टग हारमनी वॉज असिस्टिंग एज वेल अब अगर हम टग हारमनी की बात करें तो उसको तकरीबन वन टू वन पॉइंट फाइव नोटिकल माइल अवे जहाज से खड़ा किया गया था अगर हम वन नाटिकल माइल भी कंसिडर कर, कर लें तो तकरीबन वन पॉइंट एट किलोमीटर का फासला बनता है रोप्स की लेंथ है जो कि टग बोर्ड तक जा रही थी देवर फाइव क्वाल्स ऑफ टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी मीटर्स अगर हम टू ट्वेंटी मीटर की लेंथ को पाँच से अब देते हैं तो तकरीबन वन पॉइंट वन किलोमीटर के आसपास का फासला बनता है तो इसका मतलब ये है के जहाज से 1.1 किलोमीटर दूर ये टक खड़ा हुआ था हार्बर में प्लान ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल था कि बार्ज के ऊपर जो विंचेस लगी हुई है उन्होंने जहाज के बाउ को खींचना है जब हाई टाइड स्टार्ट हो रही हो तो साथ ही आपके जहाज के बाउ से लेके और ऑनशोर विंचेस तक जो वायर जा रही है वो ऑनशोर विंचेस ने खींचना है ताकि जहाज का बाउ स्विंग हो समुंदर की तरफ जाए टग इस पूरे के पूरे काम में मदद करता रहेगा और जब जहाज का मुंह सीधा हो जाएगा वो 300 हंड्रेड टू फोर मीटर्स आगे चला जाएगा इन सूटेबल डेप्थ तो फिर बार्ज के ऊपर जो वायर रोप है वो दूसरे टग बोर्ड के ऊपर ट्रांसफर कर दी फिर दोनों टग मिल मिलके जहाज़ को खींचते हुए बाहर लेके चले जाएंगे ऑब्वियसली दिस आइडिया इज़ वेरी गुड एंड इट हैज़ वर्कड एज वेल एंड इज दैट इज़ यू नो द गुड पार्ट जो बाकी दो प्लान किए गए थे उसमें सेकंड प्लान के अंदर यह था कि बार्ज को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ टग्स की मदद से खींचा जाएगा मेरी जो बात हुई अयान शिप ब्रेकर से और सी मैक से उन्होंने कहा यह लास्ट टाइम कैप्टन साहब ऐसा हो रहा था कि हम जब इस जहाज को खींच रहे थे तो उसका स्टर्न बहुत रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था क्योंकि स्टर्न सैंड के अंदर सेटल हुआ हुआ है तो कहते हैं इस बार हमने कोशिश ये की है कि हम जब ट्रांसफर करेंगे ना बार्ज से टग के ऊपर तो वी विल ट्राई टू कीप इट यू नो एज स्मूथ एज पॉसिबल नॉट लाइक द लास्ट टाइम कि एकदम झटका आए और एकदम जोर आए और वायर टूट जाए तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा प्लान सी मुझे सबसे ज़्यादा सूटबल लग रहा है अगर आप प्लान सी को के ऊपर जाके देखें तो इट वज ओनली विद द हेल्प ऑफ टग्स टग्स जो है वो जहाज को खींच रहे हैं और बाहर लेके जा रहे हैं बट देन दे टोल मी द सेम थिंग अगेन कि देखें जी जहाज़ का जो स्टर्न है उसने लास्ट टाइम भी रेजिस्टेंस दी थी और वो आज भी हमें रेजिस्टेंस देगा और हम इस पर नहीं चाहते कि जहाज़ के स्टर्न की वजह से इस रेजिस्टेंस की वजह से जो कि जहाज का स्टर्न प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज इट्स अ फ्लैट बैटशिप हमारा रास्ता दोबारा टूटे So they were saying that we will go ahead with plan A, and God forbid, you know, if something does not happen according to the plan, though we'll follow the plan B, and then the plan C. But I'm really happy to note that the plan A has worked. Asubha, highlight. this plan started, this whole thing और जब जहाज का बाओ घूमा और वो तकरीबन तीन सौ मीटर के आसपास आगे गया तो दैन दिखाए सेंड मैं मैसेज उन्हें कहा देखे जी कैप्टन साहब हम तीन सौ मीटर आगे आ गए और इन श्ला आज ये प्लान कामयाब हो जाएगा आई एम रियली हैप्पी टू नोट के इट हैज़ यू नो इट हैज़ बीन सक्सेसफुल मेरा एक कंसर्न ये था कि अगर हम जहाज़ की बिट्स के ऊपर से ये रोप और वायर्स गुजारेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट जहाज़ के बिट्स टूट सकती हैं दोलस के uh, कैप्टन साहब हम ऐसे नहीं कर रहे हम जहाज़ की बिट्स के ऊपर से कोई रोप या कुछ भी नहीं गुजार रहे हमने जहाज़ के बाओ के अंदर पनामा फेल लीड्स के अंदर से हमने डाली हुई है चेन उस चेन का हमने पूरा यू बनाया हुआ है यू को ज्वाइन करके उसके साथ शक्ल लगा के और वहाँ पे हमने वायर्स और रोप्स लगाई हुई हैं ताकि जहाज़ का बाव जो है वो हमारे काबू में रहे और किसी बिट के ऊपर लोड ना आए एंड देन माई नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज ऑब्वियसली कि जहाज़ की पनावा फेलीड का सेफ़ वर्किंग लोड क्या है तो उन्होंने कहा देखें पनामा फेलीड का सेफ वर्किंग लोड तो उतना ही है जितना कि बिट का होता है आई डोंट नो हाउ मच इट वॉज बट दे आल्सो डिट नॉट नो हाउ मच इट वॉज बट वी आर एंटिसिपेटिंग के तरीबन तीस से पैंतीस टन के आसपास होगा लेकिन जब वो चेन दो फेल लीड्स में से होगी गुजरी तो ऑबियसली वेट डिवाइड हुआ किसी एक के ऊपर नहीं आया एंड द थिंग्स बिकेम ईजी एंड आई एम हैप्पी दट दे बिकेम ईजी फॉर द मेरे जो कंसर्न थे इस जहाज के बारे में उसमें नेक्स्ट कंसर्न ये था कि जहाज का इंजन इतना अच्छा नहीं है इट इज़ नॉट सो पावरफुल द शिप इज़ वेरी ओल्ड एज वेल और जहाज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा जहाज का इंजन परफॉर्म नहीं कर पा रहा डेट ओलमी जहाज के जहाज़ के ऊपर 700 हंड्रेड हॉर्स पावर के दो मेन इंजनस हैं देर आर टू ऑफ दम लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने कहा कैप्टन साहब यू आर वेरी राइट जहाज के इंजन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और हमें उनसे किसी किस्म की असिस्टेंस नहीं मिल रही अगर ये जहाज़ के इंजन की असिस्टेंस मिलती तो ये आठ दिन पहले ही निकल चुका होता आठ दस दिन पहले ही निकल चुका होता इसके अलावा लास्ट टाइम द थिंग डैट वेंट रॉन्ग कि जब वो ट्रांसफर कर रहे थे रोप को बाड से टग के ऊपर ट्रांसफर बेसिकली जहाज़ की रोप टूटी और जहाज़ वापस जो है वो ड्रिफ्ट होकर शोर की तरफ आ गया देन आई आज एम के वट यू नो वट इज़ योर बैकअप प्लान कि खुदाना था इस बार अगर रोप टूटने की बारी आ जाए तो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट उन्होंने कहा कि के नहीं कैप्टन साहब इस बार नहीं आएगी वी विल ट्राई टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल मोर विजिलेंट एट दैट टाइम क्योंकि वो बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है कि आपने सारा काम कर लिया और बिल्कुल एंड में आके रस्सी टूटी और जहाज वापस चला गया उन्होंने कहा पहली बात कि हम विजिलेंट रहेंगे हम ये काम होने नहीं देंगे सेकंडली उन्होंने मुझे कहा mm 85 mm, 85 mm स्ट्रिंग उन्होंने बनाया था इज दट एटी फाइव मिलीमीटर हाँ जी एटी फाइव मिलीमीटर टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी मीटर्स ऑफ लेंथ के पांच कॉयल्स का एक स्ट्रिंग बनाया हुआ था और इस तरह के दो स्ट्रिंग थे ट्राइंग टू मेक श्योर कि चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्लान जाएँ रस्सियाँ इतनी जल्दी ना टूटें और ट्रांसफ़र कामयाब हो ऑब्वियसली ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि पिछली बार से मुख्त थी पिछली बार जो हाइट ऑफ टाइट थी उसके मौके के ऊपर जो जो मिस्टेक्स हुई दे जस्ट आयरन दैम आउट एंड दे केम आउट विद अ फ्रेश प्लान और उन्होंने फ्रेश जो है वो बार्च को जाके अलग से स्टेशन किया एंकरस को अलग से स्टेशन किया एंड दे डिड रियली वंडरफुल जॉब माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू दैम बॉस के वट इज़ यू नो द कंडीशन ऑफ द शिप अब जबकि मैं सबसे इन टच आ गया हूँ तो आई कैन आस्ट टाइम तो उन्होंने कहा कि देखें जहाज का जनरेटर चल रहा है जब हाई टाइड होती है जहाज के जनरेटर्स को पानी मिलता है और जहाज के जनरेटर्स चलते हैं तो जहाज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम के ऊपर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन ने मेरे ने उनसे यह था कि आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा टू तो डू ऑल ऑफ दिस ऑपरेशन फर्स्ट बात उनकी ये थी कि हमने जो ये सब मर्ज एंकर डाले मैंने छे के छे ये डालना हमारे लिए ठीक ठाक चैलेंज था हमें क्रेन इंप्लाय करनी पड़ी जमीन हमने खोदी है जमीन खोद के हमने एंकर डाला है और एंकर के ऊपर टनों वजनी हमने पत्थर रखे हैं इस मकसद के लिए कि ये एंकर अपनी से ना और ये बाहर निकल के ना आए इन एंकर्स के ऊपर पुली लगाना अगेन एक चैलेंज था लेकिन मैंने कहा कि कि अगर मैं आपसे ये पूछूं इस पूरे के पूरे के ऑपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था तो कहा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम जहाज को रस्सा नहीं थे पास कर पा रहे क्योंकि जो टग्स एम्प्लॉय हुए हुए हैं उनका ड्राफ्ट है चार मीटर ये जहाज जहां पर ग्राउंड हुआ हुआ है अगर वो टग्स इसके करीब आते हैं तो यू कैन वेल इमेजिन कि वो टक्स जाके ग्राउंड हो जाएंगे और उन्होंने कहा कि जो हमारी सर्विस बोर्ड थी वो सर्विस बोर्ड ये इतना लंबा रस्सा पास कर नहीं थी पा रही बिकॉज रिमेंबर मैंने आपको भी बताया कि 220 मीटर के पांच कॉयल्स तो आप खुद सोचें कि स्ट्रिंग की लेंथ अगर 1.1 किलोमीटर है तो 1.1 किलोमीटर की रस्सी को अगर एक छोटी स्मॉल बोट खींचेगी वो तो ख़ुद कंट्रोल में नहीं रहेगी वो तो ख़ुद काबू में नहीं रही सो दे फॉलोड अ वेरी इंजीनियस प्लान उन्होंने क्या किया कि दूर जाके और लाइफ राफ्ट को छोड़ दिया लाइफ राफ्ट बहता हुआ इस जहाज़ के करीब आया और फिर उस लाइफ राफ्ट की मदद से पहले छोटी नाइलॉल रोप फिर उससे बड़ी रोप फिर उससे बड़ी रोप फिर फिर फाइनली जो है वो ये जहाज़ के रस्से पास किए गए तो उन्होंने कहा ये एक बड़ा बड़ा चैलेंज था हमारे लिए देन इस बार्ज को स्टेशन करना ये जो बार्ज इंप्लॉय हुई हुई है जिसके ऊपर दो इंच वी एल सी सी की लगी हुई हैं इसको स्टेशन करना इसके एंकर ड्रॉप करना ये एक ठीक ठाक बड़ा इशू था क्योंकि अगेन सैंड है एंकर जो है वो ड्रैग कर रहे थे लास्ट ऑपरेशन में भी ड्रैग हुए थे कल भी ड्राई कर रहे थे एंड दे हैड टू रिपोजिशन इट मेनी टाइम्स बिफोर यू नो कंडक्टिंग द फाइनल ऑपरेशन आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड के बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किस्म का ऑपरेशन हो गया और डिस्पाइट अ फ्यू फील्ड अटैम्प्स जैसा कि हम सबको लग रहा था 95 फाइव परसेंट मुझे ये यकीन था कि ये जहाज़ नहीं निकलेगा क्योंकि पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश यहाँ पे जो जहाज आके ग्राउंड हुए हैं रेत के अंदर वो निकले नहीं है सो इट इज़ रियली अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारा ये जो जहाज़ था हैंगटॉन्ग सेवेंटी ये फाइनली सैंड से निकल गया एंड देन आई आस्ट दैम वन मोर थिंग मैंने कहा मुझे एक चीज़ और ये बताएं कि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन उपरे में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि आपका साथ दे रही थी जो कि आपका आपको लग रहा था कि हाँ यार ये चीज़ हमारे फेवर में तो हज आंसर वॉज वेरी सिंपल उन्होंने कहा कैप्टन साहब साइज ऑफ द शेप तो मैंने उनको फिर ये कहा मैंने कहा जी, पहले भी तो इसी साइज़ के जहाज़ यहाँ पे आके ग्राउंड होते रहे हैं, वो तो कभी भी नहीं निकले उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल नहीं निकले लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको निकालें बिकॉज इट विल बी अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरी वन कि हमने एक जहाज़ जो फंसा हुआ था उसको निकाल दिया अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब इस जहाज़ का क्या होगा मैंने कहा आप इसको एम बी एम के ऊपर लेके जाएंगे किसी बर्थ के ऊपर लेके जाएंगे क्या करेंगे उन्होंने कहा देखें जी हमारा काम है जहाज़ को निकालना लेकिन हमें ये इल्म है कि ये जहाज़ बर्थ के ऊपर जाएगा और ये जहाज़ फिर वहाँ पर अरेस्टेड लाइफ जो है वो गुजारेगा जब तक सारे चार्जेज वार्जेज और सबकी सब चीज़ें नहीं कर दी जाती और मैंने चाह आज ये कि मैं आपको ऑपरेशन की पूरी की पूरी समरी बता दूं पहली चीज से लेकर आखिर तक मैं आपको तीनों के तीनों प्लान से आगाह कर दूं कि जो प्लान इंप्लॉय किए गए थे इस जहाज को निकालने के लिए और मैं आपको अपनी खुशी से आगाह कर दूं कि आई एम हैप्पी दैट दिस जॉब हैज बिन डन कॉग्रेचुलेशन टू एवरी वन हुज अ पार्ट ऑफ इट मीन टाइम अगर आप ये देखना चाहें कि ये जहाज जब शुरू में फंसा था तो हुआ क्या था तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ अगर आप एवर गिविन की मुकम्मल कहानी जानना चाहते हैं तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा विद टन ऑफ लव टू माई फैमिली एंड टू तो बी ऑर इन शॉर्ट फैमिली दिस इज बी जाहिद निसार आप लोग देख रहे हैं शॉर्ट्स और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज